क्लास नाइन्थ एनसीआरटी हिंदी एक फूल की चाह जैसे लिखा है सिया राम शरण गुप्त ने अश्रु राशिया हृदय चिताई धदका कर महा महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर कवि ने यहां पे एक बहुत ही मार्मिक यानी दिल को दहला देने वाली एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है जिसमें बताया है उद्वेलित यानी भाव वे, भाव वहिल भावनाओं में आके यहाँ पे जो बताया गया है उसमें एक बीमारी का चित्रण किया गया है जो कि महामारी है जैसे इस वक्त कोरोना की बीमारी है उसी तरीके से उद्वेलित कर यानी भावना में आकर आंसू बह रहे हैं लोगों के अश्रु राशियां ने आंसू बहना आंसू की झड़ी लग जाना हृदय चिताई हृदय चिताई चिता के समान होने वाला दिल यानी दिल इतना टूट गया है लोगों की जाते हुए कि दिल भी एक चिता के समान जिंदगी धका कर यानी हृदय चिताएं सुलगा कर यानी चिताओं को लोगों की डेड बॉडीज को सुलगा कर जो दिल है वो एकदम टूट चुका है महा महामारी प्रचंड हो हर जगह पे बहुत बड़ी महामारी बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है फैल रही थी उधर उधर, हर जगह वो फैल रही है यानी बहुत धीरे से बोलना कंठ मृतावसाओं का करुण रिदन नृतांत ददांत नितांत, मृतावस्थाओं का जानी जिसके घर में किसी का बच्चा मर गया है किसी की डेथ हो गई है वहां पे जो करुण रुदन है ने करुण यानी दया आती है जिसमें दया पैदा करने वाला रोना जिसको हम देखते हैं कि इतना दुख में रोना कि सभी उसमें दुखी हो जाए दुर्दांत नितां, दुर्दांत दुर्दान्त यानी भयंकर दुर्दांत यानी भयंकर नितान्त यानी हर जगह ये जो दुख भरा रुदन है जिस जो ये जो बीमारी है उसने हर जगह पे लोगों को रुला दिया है भरे हुए थे निज कृष्य रव में निज कृष्य यानी कमजोर आवाज भरे हुए थे एकदम कमजोर आवाज रव यानी आवाज में हाहाकार अपार अशांत हाहाकार का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज आवाजें आना पर जो हाहाकार वर्ड को कभी नहीं यहाँ पे अशांत यानी मन के अंदर इतनी अशांति है कि लोगों के दिल भरे हुए हैं और एकदम दुर्बल आवाजें आ रही है रुदन हर जगह मचा हुआ है अब अगर इतनी ही लाइनों को सिंपल भाषा में बोलते हैं तो बोल ये बोल सकते हैं कि इसको अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि एक भयंकर महामारी यानी बीमारी जैसे कोरोना जो हर जगह फैलता है बहुत बहुत बड़ी एरिया में बहुत लोगों को बीमार करता है उसके लिए वर्ड यूज होता है महामारी महामारी एक भयंकर फैली हुई है इतनी भयंकर महामारी है कि बहुत लोग उसमें उस महामारी से लड़ नहीं पा रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है वो गुजर जा रहे हैं और ये ज़्यादा करके बच्चों पे आई हुई है तो हर जगह पे ये महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है लोग इतने परेशान हैं जो लोग जिनके घर में किसी की मृत्यु हो जा रही है तो उनके जो दिल है उनकी जो अवस्था है उसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि जो एक भयंकर महामारी के कारण लोगों की आंखों में से आंसू बहे जा रहे हैं आंसू रुक नहीं रहे हैं लोगों के दिल धधक उठे हैं परेशान हो गए हैं सब लोग दुख के मारे एकदम बेचैन हो गए हैं माताओं की आवाज बहुत धीरे निकल रहे हैं जिनके बच्चे उन्होंने खो दिए हैं सारा वातावरण एकदम दुखी है हर कोई व्याकुल है हर कोई दुखी है बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर अब ये उस वक्त का माहौल तो बता दिया गया है कि बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी महामारी यानी जिसमें बहुत सारे लोग उसके चपेट में आ जा रहे थे और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जा रही थी उस बीमारी के आने के कारण अब यहाँ पे एक गरीब पिता की बात को बताया गया है जो बच्ची है उसके नाम है सुखिया सुखिया के पिता बोलते रहे हैं कि मैं बहुत मना करता था सुखिया को सुखिया छोटी सी बच्ची है उसकी कि न जा खेलने को बाहर क्योंकि बीमारी फैली हुई है तो उसके बाहर न जा कहीं वह उस बीमारी के चपेट में ना आ जाए नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर लेकिन एक बच्चे को खेलने से बढ़कर और कुछ नहीं होता उसे और कुछ नहीं चाहिए रहता और उसे और किसी चीज से खुशी नहीं मिलती है जो बाहर जाके घर से खेलने में मिलती है तो वो रोक नहीं पाती खुद को वो कुछ नहीं रोक पाती एक मिनट के लिए भी घर में रुकने को तैयार नहीं होती मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे यही मानता था कि बचा लू किसी भांति इस बार उसे उसके पिताजी बोल रहे हैं सुखिया के पिता कि मेरा हृदय यानी मेरा दिल कांप जाता था कांप उठता था यानी घबरा जाता था ये देखकर कि वो फिर से बाहर गई है खेलने को उसे बाहर खेलते हुए देख के निहारना इन्हें देखना बाहर देख के मुझे डर लगता था कि कहीं उसके साथ भी वैसा ना हो जाए यही मानता था कि बचा लू किसी भांति इस बार से। मुझे ये मेरा मन यही बोलता था कि उसे बाहर खेलने ना दूं और उसे किसी भी तरीके से इस भयंकर बीमारी से बचा लूं इस बार में उसे किसी तरीके से उसको उस बीमारी की चपेट में ना आने दूँ। भीतर जो डर रहा छपाए हाय वही बाहर आया एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया भीतर यानी अपने मन के अंदर जो मैंने डर छपा के रखा था ये सुखिया के पिताजी बोल रहे हैं हाय कि नहीं आना चाहिए था हाय यानी कैसे बाहर आ गया लेकिन वो बाहर आ गया बाहर आ गया का मतलब है कि जो उसके अंदर डर था कि कहीं ये महामारी उसकी बिटिया को भी ना लग जाए एक दिन सुखिया के तनु को तनु को यानी उसके शरीर को एक दिन जो सुखिया का शरीर है वो भी ताप यानी बुखार से तप्त बुखार से गर्म हो गया था तेज बुखार जो फैला हुआ था वह शायद सुखिया को भी बीमार कर दिया था ज्वर में वेहिल हो उठी वह बुखार में वह इतनी दुखी हो गई यानी दुखी हो गई वह क्या जानू किस डर से डर मुझको वह तेज बुखार से दुखी हो उठी और क्या जानू यानी सुखिया के पिता बोलते हैं मुझे क्या मालूम किस डर के कारण उसने मुझे कहा कि मंदिर में जो देवी माँ का मंदिर है पास में वहां का मुझे प्रसाद का एक फूल ही ला कर दे दो उस मंदिर में जो फूल एक प्रसाद में दिया जाता है वो मुझे लाकर दे दो तेज बुखार में बच्ची ने अपने पिता को कहा कि काश मुझे वह एक फूल का फूल मिल जाता उस मंदिर के प्रसाद का क्रमशः कंठ क्षीण हो आया शिथिल हुए सारे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। क्रमशः यानी धीरे धीरे कंठ यानी गला क्षीण यानी कमजोर हो गया दुबला हो गया वह जो बीमारी है वो सुखिया के ऊपर और पड़ते जा रही थी वह और ज्यादा बीमारी से ग्रस्त होने लगी थी धीरे धीरे उसका जो कंठ है वो एकदम कमजोर गला जो है एकदम कमजोर पतला सा हो गया था उसके जो शिथिल शिथिल यानी एकदम ढीले पड़ जाना जब बीमारी में हम बीमार होते हैं तो कैसे हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं एकदम ढीले पड़ जाते हैं वैसे ही सुखिया भी शिथिल हुए अवयव सारे अवयव यानी उसके शरीर के सारे अंग वो एकदम ढीले पड़ गए थे अब ऐसी अवस्था में सुखिया का पिता क्या कर रहा है बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे यानि जो उसका पिताजी है वो नए नए उपाय कर रहा था जो नए ढंग मिल रहे थे जिससे उस बीमारी से उसको ठीक किया जाए वो ये करूं ये करूं करूं कि इस चिंता में बैठा और मैं मन मारे यानी अपने मन को दबाए हुए मन को रोके हुए बैठा था और अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था वह जान सकान प्रभात सजक से हुई अलस कब दोपहरी स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी ऐसा करते करते कब सुबह से दिन हो गया और दिन से शाम हो गया रवि डूबा यानी स्वर्ण घनों में यानी आसमान में बादलों में रवि डूबा यानी सूरज डूब गया और शाम की जो अंधारा रात जो है संध्या अंधारी जो है संध्या हुई शाम हुई और वहां से अंधेरा छाने लगा किस तरह से ये करते हुए उसका टाइम बीत रहा था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमर आया हर जगह जब उस वक्त सुखिया के पिता के दिमाग में सिर्फ निराशा छाई हुई थी हर तरफ उसे सिर्फ अंधेरे का ही अंधेरा ही दिखाई दे रहा था सुखिया का पिता इस बीमारी को वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि वो इतना दुखी हो चुका था कि उसे लग रहा था कि अब कोई आशा बाकी नहीं रही है हर तरफ अंधकार छा अच्छा गया है उसकी इतनी छोटे से बच्ची को ग्रसने के लिए ग्रसने का मतलब होता है उसको खत्म करने के लिए उसको निगलने के लिए इतना बड़ा इतनी बड़ी महामारी आई थी तिमे यानी इतनी बड़ी महामारी अंधेरा आ गया था इतना अंधकार का शिमेर याने अंधेरा उस अंधकार का छाया साया जो है वो इतनी छोटी सी बच, बच्ची को निगलने के लिए आता जा रहा था उसके पास आता जा रहा था ऊपर महाकाश में जलते से अंगारों से ऊपर विस्तृत यानी आसमान में अगर हम देखते हैं विस्तृत यानी बहुत बड़े महाकाश यानी इतने बड़े आकाश में जैसे तारे अंगारों के जैसे जलते हैं झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों में उतने तेज बुखार में उसी तरीके से सुखिया की आंखें भी जलने लगी थी जैसे कि जगमगाते हुए तारे रात में आसमान में जलने लगते हैं जब हम खुश होते हैं तो वही तारे हमको सुंदर लगते हैं लेकिन जब हम निराश हैं तो वही आसमान में जो तारे चमकते हुए हैं वो ज, अं, अंगारों जैसे सुखिया के पिता को महसूस हो रहे थे देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर सुखिया के पिता बोल रहे हैं कि मैं उसको देख रहा था जो जो बच्ची सुस्थिर यानी कुछ क्षणों के लिए कुछ पल के लिए एक जगह पे बैठ नहीं पाती थी जो नहीं बैठती थी क्षण भर एक मिनट भी एक जगह पे उतनी चंचल बच्ची थी कि बच्ची है उस वक्त सुखिया के पिता की नजर में वो वो जो बच्ची है वो कितनी चंचल थी जो कि बैठ नहीं पाती थी एक जगह लेकिन आज हाय यानी क्या हो गया ये वही जो छोटी सी चंचल बच्ची है वो कैसे चुपचाप पड़ी थी बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी अटल शांति यानी चरम शांति जितनी पक्की शांति जिसको बोलते हैं वैसी धारण कर एकदम बिना हिले डुले वो पड़ी हुई थी सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर उसके पिता के लिए पॉसिबल नहीं था उसे देवी के मंदिर से जाके फूल लाकर दे लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी इसलिए उसके मुंह से यह भी वो सुखिया का पिता सुनने को तैयार था उसे बार-बार इस बात के लिए उकसा रहा था ने जगा के मजबूर कर रहा था कि वो यही बोल दे अपने पिता को कि जाके मुझे देवी के मंदिर का फूल जो प्रसाद में मिलता है वही आकर लाकर दे दो ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृत विशाल स्वर्ण कलश सरसज वहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल शैल शिखर यानी पहाड़ की चोटी पर ऊंचे पहाड़ की चोटी के ऊपर यह एक मंदिर था विस्तृत विशाल यानी बहुत बड़ा विशाल यानी बहुत बड़ा विस्तृत यानी बहुत विस्तृत बहुत फैला हुआ बहुत बड़ा सुंदर मंदिर था स्वर्ण कलश सरसज वहसित थे पाकर समुदित रविकर जाल स्वर्ण कलश सरसिज वह स्वर्ण कलश सरसिज यानी कमल के समान सुंदर सोने के कलश स्वर्ण यानी सोने के कलश यानी जो कलश जिसमें पूजा का लोटा जिसको बोलते हैं या कलश बोलते हैं जिसको एक उसमें कलश में सरसिज यानी सरसिज कमल के समान सुंदर सोने के कलश के लिए बोला जाता है थे यानी हंसते हुए यानी मंदिर के ऊपर जो एक कलश बना हुआ था सोने का उस पर जब सूरज की रवि कर जाल यानी सूरज की रवि मीन सूरज कर जाल पाकर रवि की किरणें समुद्रित यानी अच्छी प्रकार से खिला हुआ जब सूरज की किरणें उस कलश पे गिरती तो कलश इतना सुंदर लगता जैसे कि कमल का फूल खिल उठा हो इन दो लाइनों का मतलब यह है दीप धूप से मंदिर का आंगन सारा मंदिर का जो आंगन है उसमें हर जगह दीप और धूप धूप की सुगंध और दीप की रोशनी फैली हुई थी अमोदित्था इन्हें भरा हुआ था मंदिर का पूरा आंगन इन चीजों से भरा था गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा हर जगह इस तरह के का माहौल था ऐसे महसूस हो रहा था कि हर जगह उत्सव है कोई उल्लासमय वातावरण था बहुत खुशी भरा माहौल था एक उत्सव के माहौल जैसा माहौल वहां मंदिर में प्रतीत हो रहा था महसूस हो रहा था भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्त मधुमय पाप पापहारणी माता तेरी जय 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 मंदिरों में जो वृंद यानी समूह भक्त यानी जो भक्तों की टोली या भक्तों का समूह मृदु यानी बहुत प्रसन्नता से बिल्कुल कोमलता से मधुर कंठ यानी सुंदर, सुरीला कंठ यानी गला सुन भक्त जो है अपने सुंदर स्वर में मीठे स्वर में गा रहे थे क्या गा रहे थे सब भक्ति यानी अपने मन के अंदर पूरी तरीके से भक्ति से तरबतर होके पूरी भक्ति में उल्लासित होके वो गा रहे थे कि हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी पतितों का उद्धार करने वाली यानी जो बिल्कुल किसी लायक नहीं है उसको भी ऊपर पहुंचाने वाली पापहारणी जिसने जिंदगी में सिर्फ पाप किए हैं उनके पापों को नष्ट करने वाली माता देवी माता तेरी हमेशा जय जयकार रहे तेरी हम तेरी हमेशा जय जयकार करते रहे पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला मैं भी वहीं पहुंच गया था और वहीं पे मेरे मुख से भी अपने लिए अपनी बच्ची के लिए दुआ निकली कि पतित तारणी यानी हम जो हैं वो पतित हैं हम जो हैं वो खराब हैं हमको भी तारवने वाली हमको भी इस दुनिया के चक्कर से दूर करने वाली मोक्ष प्राप्त देने वाली माता तेरी हमेशा जय जय हो बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला मैं खुद तो नहीं जाना चाहता था वहां पर पता नहीं कहाँ से मुझ में ये शक्ति आ गई मेरे आगे बढ़ने के बिना ही मुझे जैसे तो किसी ने धक्का दे दिया और मैं आगे आ गया उस शक्ति से और कहां से पता नहीं मैंने उस शक्ति के पास से मैं वहां पहुंच गया मुझे किसी ने और धक्का मार के पुजारी के सामने ही जाके खड़ा कर दिया और मैं अचानक ही पूजा स्थल के पास पहुंच गया यहाँ पे ये जो पोयम है वो हमारे जो पुराने छुआछूत की बातें हैं उसको दर्शाती है कि ये जो सुखिया के पिता हैं वो उस को बिलोंग करते थे जिन लोगों को पहले जमाने में मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी और उनकी बेटी जो है वो उस मंदिर से एक फूल की चाह कर रही थी कि प्रसाद में उससे वो फूल मिल जाए और ऐसी बच्ची जिसका पिता जान चुका है कि वो महामारी से ग्रस्त हो चुकी है और उसकी समझ लो ये अंतिम इच्छा है कि उसे वो फूल चाहिए तो वो अपना वो जो पिता है उसकी इच्छा को जो अपनी बच्ची से अत्यंत प्यार करता है उसे पाने के लिए जो स्वर्ण है जो लोग उस मंदिर में जाते हैं उस तरीके की वेशभूषा धारण करके और उस मंदिर में पहुंच गया और वो वहाँ के माहौल को इस पूरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है कि उस मंदिर में क्या चल रहा था लोग मधुर कंठ से गाना गा रहे थे बोल रहे थे कि माता देवी जो है वो पतित हारणी है वो भी वो यही बोलने लगे और बिना उसको पता नहीं वहाँ पे अगर इस तरह के का कुछ किया जाता छुआछूत इतना ज़्यादा था कि अगर ऐसा कोई करता तो उसे पनिशमेंट मिल सकती थी उसको मारा जा सकता था पर उससे भी बिना डरे वो दुखी पिता अपनी बच्ची की इच्छा को पूरा करते करने के लिए पूरी हिम्मत के साथ पता नहीं कहां से उसमें शक्ति आ गई और वैसी वेशभूषा धारण करके मंदिर में वो पुजारी के पास पहुंच गया मेरे दीप फूल लेकर वो अंबा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजल भर के मैंने जो दीप फूल माता के लिए लाए थे वो लेके उसने अम्बा माता को अर्पित कर दिए जैसे मंदिर में फूल चढ़ाते हैं वैसे और दिया पुजारी ने प्रसाद जब और पुजारी ने फिर मुझे अपने हाथ में अंजिल में भर के अंजल यानी हाथों में मुझे प्रसाद दिया भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को मां के ये पुण्य पुष्प दू जाकर मैं जैसे ही मुझे वो फूल मिल रहे थे तो उसके लिए तो ऐसे पिता के लिए उस वक्त वो खजाने से कम नहीं थे पूजा के फूल पाकर वो बहुत प्रश्न हो गया उसे सब कुछ भूल गया उसे ऐसा लगा कि इस जिंदगी में इससे बड़ा परम लाभ इससे बड़ा लाभ उससे बड़ा कुछ मुझे मिल नहीं सकता और मैंने सोचा उसी वक्त झट से जाके ये फूल पुण्य पुष्प यानी पवित्र पुष्प यानी फूल जो है वो मैं अपनी दरबार से मुझे जो पुष्प मिले हैं वो जाके मैं अपनी बेटी को दे दू भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत अछूत भीतर आया सिंह पौर का मतलब होता है मंदिर के मुख्य द्वार तक मंदिर के द्वार तक मंदिर के मुख्य द्वार तक भी मैं नहीं पहुंच पाया था यानी जहां देवी माता की मूर्त है उसके बाद जो द्वार आता है पहला पहला उसको भी वो क्रॉस करके आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था कि सहसा यानी अचानक उसको यह सुनाई दिया क्या कैसे यह अछूत भीतर आया कैसे यह या अछूत यानी पहले इन लोगों को अछूत बोला जाता था यानी वो किसी चीज को छू नहीं सकते और उनको मंदिर में सार्वजनिक कुओं में कई रास्तों से जाना मना था तो कैसी यह छूत भीतर आया है पकड़ो देखो भाग ना जावे पकड़ो उसको देखो भाग के कहीं यहाँ से भाग ना जाए बना धूर्त यह है कैसा धूर्त यानी छली यानी दूसरे को जो छलता है जो रूप बना के अपने दूसरों को छलने आता है बेवकूफ बनाने आता है कैसे वो धूर्त है यह साफ स्वच्छ परिधान किए है जो अछूत लोग हैं वो ज्यादा करके उनकी इमेज ऐसी थी कि मैले से कपड़े कपड़े सफ़ेद वो नहीं पहनते थे या उनको नहीं पहना करते थे उनका काम भी वैसा था पर उसने सुखिया के पिता ने मंदिर से अपनी बेटी के लिए फूल लाने के लिए उसने साफ स्वच्छ और साफ सुथरे और अच्छे परिधान यानी कपड़े पहने हुए थे भले मानुषों के जैसा ऐसे कपड़े पहन के उनका जो रूप है वो भले मानुष यानी अछूत को भला मानुष नहीं मानते थे मानुष यानी इंसान तो अछूत को अछूत को भला मानुष नहीं माना जाता था तो लोग ये बोलने लगे कि साफ सुथरे कपड़े पहनकर कैसे भले मानुषों जैसा बनके वो मंदिर के अंदर घुस आया है पापी ने मंदिर में घुसकर यानी उसने पाप किया है मंदिर में घुस के उसने गलत काम किया है मंदिर में घुस के इसलिए उसको पापी बोला पापी ने मंदिर में घुस के पापी जो है मंदिर में घुस गया और कैसा अनर्थ अनर्थ, अनर्थ Share, जो नहीं होना चाहिए था पाप कर दिया है उसने कुलशित कर दी कुलशित कुलशित मतलब अपवित्र कर दी है मंदिर की चिरकालिका शुचिता सारी यानी चिर कालिका ने लंबे समय से बनाई हुई चिर यानी बहुत लंबा पीरियड बहुत टाइम हो चुका है बहुत टाइम से जो हमने मंदिर की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखा था उस पूरी शुद्धता को इस पापी ने मंदिर में एंटर करके खत्म कर दिया है क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी किस बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी यहां पे एक बहुत अच्छे तरीके से इस बात को बोला गया है अभी जो सुखिया के पिता हैं, वो क्या बोल रहे हैं क्या मेरा यानी मेरा पाप इतना बड़ा है कि देवी की महानता कम हो गई है देवी की गरिमा जो है देवी का जो महानता है वो मेरे पाप से कम हो गई है किसी बात में मैं हूँ मैं आगे क्या मैं किसी भी बात में आगे हूं इस माँ की महिमा से इस माँ के महत्व से इस माँ के जो माता का भगवान का जो पावर होता है उससे क्या मैं किसी भी बात में आगे हूं यानी पे एक बात बोली कि एक अछूत व्यक्ति के जाने से भगवान अपवित्र हो जाएंगे क्या भगवान इतने छोटे से हैं कि एक अछूत व्यक्ति के आने से छोटे पड़ जाएं इस बात को यहां उल्लेख किया गया है माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा तुम माँ के भक्त कैसे हो क्या करके यह विचार खोटा माँ के सम्मी माँ का तुम गौरव करते हो छोटा तुम अपने आप को माँ का परम भक्त कहलाते हो तुम कैसे माँ के भक्त हो मेरे से कंपेयर कर रहे हो माँ को ये बोल रहे हो कि मेरे आने से माँ का गौरव कम हो गया है इस तरीके से सुखिया के पिता ने बहुत बड़ी बात जो लोग बड़े कहलाते हैं एक्चुअली जिनकी सोच छोटी है उनको समझाने का प्रयत्न किया कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया जो माँ के भक्त थे जो अपने आप को भक्त कहलाते थे मंदिर में वो झट से उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुना और मुझे पकड़ लिया मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया और सुखिया के पिता को मार मार के किसी ने मुक्के मारे घूसे मारे और उसे जमीन पे गिरा दिया मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाँ सबका सब उसने जो अपने हाथ में अपनी बिटिया को देने के लिए प्रसाद रखा था फूल वो भी जमीन पे वही का वही बिखर गया हाय बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब और मैं मनी मन बोल रहा हूं कि हाय दर्द में दुख में बोल रहा है कि कैसे अब, अब तो वो उसके लिए घर तक पहुंचना अपनी बच्ची तक पहुंचना नामुमकिन था तो उसका बोलना है कि मैं कैसे तब तक ये माता का प्रसाद पहुंचा सकू न्यायालय न्यायालय ले, ले गए मुझे वे सात दिवस का दंड विधान और सुखिया के पिता को इस जुर्म के लिए इस पाप के लिए जो उसने किया था उसे कोर्ट लेके गए और वहां उसको दंड मिला पनिशमेंट मिली अपनी उस काम के लिए उसको सात दिनों के लिए जेल में डाल दिया मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान सुखिया के पिता बोलते हैं हाँ मुझसे हुआ था हुआ था मुझसे माता देवी का मैंने अपमान किया मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झोंका चुप ही रह मैंने अपने इस खतरनाक पाप को जो मैंने बहुत बुरा काम किया था अपना सर झुड़का के उससे स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने यह किया है यह असीम उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे अब यहाँ पे असीम यानी जिसका बहुत अधिक यानी जिसका कोई लिमिट नहीं है अभियोग यानी आरोप पाप दोष का यानी जो मेरी गलती हुई थी उसके लिए मैं क्या उत्तर देता और कौन उस उत्तर को शायद समझता भी सात रोज ही रहा जेल में सात दिन उसने जेल में बिताए या कि वहां सदियां बीती पर वो जो सात दिन थे वो उसके लिए सैकड़ों वर्षों सदियां यानी सौ सैकड़ों यानी सौ वर्षों कई सौ वर्षों जितनी थी अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रो रीती अविश्रांत यानी बिना आराम के विश्राम यानी आराम करना अविश्रांत यानी बिना थके बिना थके आंखें बस रही बरस रही थी रो रही थी लेकिन आंखें तनिक नहीं रीती लेकिन इसके बाद भी आंखें जो रीती है वो रीति यानी खाली थी एकदम इतना रोने के बाद भी वो आंखें कभी खाली नहीं हुई इस दिन उसने सौ वर्षों के समान बताया। उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली निरंतर आंसू बह रहे थे फिर भी आंखें रुकना बंद नहीं कर रही थी वो आंखें खाली नहीं हो रही थी वैसे ही आंखें आंसुओं से भरी हुई थी उसकी वेदना उसका जो दुख है सुखिया के पिता का वो कम नहीं हो रहा था दंड भोग कर जब मैं छूटा ये जो उसको दंड मिला था जो पनिशमेंट मिली थी सात दिन की जब वो भोग कर जब सुखिया का पिता वो छूटा वहां से निकला पैर ना उठते थे घर को घर की तरफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पैर वो बता रहे हैं खुद की आप बीती कि मेरे पैर जो हैं वो घर की तरफ नहीं जा रहे थे पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को ऐसे लग रहा था पीछे कोई मुझे धक्का मार रहा है भय से पीड़ित भय जर्जर यानी भय से पीड़ित तनु मतलब शरीर पंजर यानी हड्डियों के ढांचे को कोई डर जो है एक उस जर्जर शरीर को धक्का मार रहा था पहले किसी सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह जब मैं घर के पास पहुंचता था तो मेरी बेटिया सुखिया मुझे दौड़कर मेरे से आके मिलती थी वो आज मुझसे मिलने नहीं आई उलझी हुई खेल में ही हाथी दीन दिखाई वह और वो जिसे खेलना बहुत पसंद था जिस वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी किसी खेल में उलझी हुई दिखाई देती थी अब वह बिल्कुल भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां मेरे परिचित बंधु बंधु प्रथम ही फूक चुके थे उसे जहां फिर भी मुझे लगा कि मैं उस दुनिया से जा चुकी थी मरखट यानी जहाँ पे शमशान घाट जैसे जलाया जाता है वृत लोगों को उसे देखने के लिए उस बच्ची को एक झलक पाने के लिए मैं मरघट की तरफ दौड़ने लगा दौड़ के वहां पहुंचा मेरे परिचित यानी मेरे जो भाव भाई बंधु हैं वो मेरे से वहाँ पहुँचने के पहले ही उसे फूक चुके थे उसे अग्नि दे चुके थे बुझी पड़ी थी चिता वहां पर उसकी चिता जो है उसकी बुझ गई थी अब तक के छाती धधक उठी मेरी पर यह देखने के बाद जो मेरा दिल था वो अभी तक के जल रहा था मैं मेरा दिल जलने लगा था यह देख के फूल सी कोमल बच्ची वो प्यारी सुखिया जो है छोटी सी बच्ची अब राख के एक ढेर में बदल गई थी अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं हा आखिर बार भी मैं अपनी प्यारी बच्ची को गोद में नहीं ले सका ये उसे हमेशा दुख रहा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ और एक फूल जो उसने अपनी अंतिम इच्छा में उसने कोई बड़ी चीज तो नहीं मांगी थी बस इतना मांगा था कि देवी की माँ के प्रसाद का एक फूल उसे मिल सके जिसको पाने के लिए सुखिया के पिता ने भी अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया पर वो उसे न दे सका ये जो एक पोयम है उसमें हमारे समाज का हमारे समाज का एक क्रूर रूप दिखाया गया है जिसमें किसी इंसान को जबकि मजहब से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता एक धर्म में रह के भी कोई बड़ा या कोई समझने को तैयार तो नहीं है और उसने अपनी द्वारा खींची हुई रेखाओं के द्वारा कैसे एक छोटी सी बच्ची की अंतिम इच्छा तक को पूरा न होने दिया यह हमारे समाज के बहुत खराब रूप को दर्शाती है जो कि अभी गवर्नमेंट के लोगों के प्रयास से काफी रूप से कम हो चुका है पर फिर भी जहां वो एग्जिस्ट करता है वो एक बहुत बुरी बात है